थाने में पुलिस नहीं लिख रही रिपोर्ट, लगाया आरोप, एसपी ऑफिस में धरना दे ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। गुढ़ाई बाजार रीवा के रहने वाले सुनील गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप थाने में पदस्थ कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अपने परिजनों की मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए पूरी घटना की जांच कर दोषी पाए गए कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सुनील की माने तो उनके मामा की मोटरसाइकिल 30 जून को स्टेचू चौराहे से चोरी हो गई। पुलिस के पास रिपोर्ट कराने जाने पर पुलिस इधर उधर टहलाती रही, लेकिन उसने चोरी की एफआईआर नहीं लिखी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रीवा पुलिस कितनी तेजी से कार्रवाई करती है। स्थानीय मंत्री के संरक्षण में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। जहां का जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों के साथ साठगांठ करके लगातार आम जनमानस को परेशान करता चला आ रहा है। इस शहर के अंदर हत्याएं, लूटपाट, चोरी, डकैती रोज की आम घटना हो गई है। अब यहां तक देखने को मिल रहा है कि अगर फरियादी कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है तो उसके साथ भी ये लोग मारपीट करते हैं। 30 तारीख को घोड़े चौराहे से एक मोटरसाइकिल चोरी होती है, जिसकी रिपोर्ट करवाने फरियादी थाने में जाता है तो उसको लगातार 6 दिन कि आप जाइए सीसी फुटेज टीवी कैमरे में दिखवा लीजिए, इस थाने में पता कर लीजिए, वहाँ पता कर लीजिए, 6 दिन लगातार उसको दौड़ाया जाता है। कल शाम को जब वो दोबारा जाता है और कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी सर हमारा क्लेम मान्य नहीं करेगी क्योंकि 7 दिन से ऊपर हो रहा है, तो थाने में पुलिसकर्मियों के द्वारा वहीं पर उससे मारपीट की जाती है, उसको जाति सूचक गाली दी जाती है और उसको थाने से भगा दिया जाता है। हम लोग आज यही एसपी थाने का घेराव कर रहे हैं। यदि 3 दिन के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग यहीं एसपी कार्यालय के सामने धरने में बैठेंगे जब तक कि अपराधियों और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया जाता।